शिवपुरी नगर पालिका में बने 39 वार्डों के पार्षद हर काम के लिए परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका सीएमओ इन पार्षदों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद मदन सेजवार मट्टू ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, जिसमें शहर के विकास हो सके। वहीं वार्ड क्रमांक 35 के पार्षद मदन सेजवार मट्टू ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे शहर में विकास हो सके। वहीं मदन सेजवाल ने बताया कि किसी भी वार्ड में जाकर देख लें, कचरे के ढेर लगे हैं, नालियां भरी पड़ी हुई है, सड़कें फूटी हुई है, लेकिन नगर पालिका के वरिष्ठ अधिकारी किसी पार्षद को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। शिवपुर से यूसुफ खान की रिपोर्ट। 50 दिन होने पे आ गए पार्षद बने, एक लाइट नहीं लगी है क्या? लाइटों के टेंडर नहीं खोल रहे हैं क्या? मुरम नहीं डल रही, कत्तल नहीं डल रही, गणेश जी आ गए हैं क्या? कोई सुनने को तैयार नहीं है, सीएमओ बैठता नहीं है क्या? टेलीफोन 3 लगा चुका सुबह से क्या? कोई एक भी टेलीफोन नहीं उठाया सुबह से मेरा सीएमओ ने। पिछली एक सभा में मंत्री जी ने निर्देश दिए थे, उसके बावजूद भी नहीं, इसके बावजूद भी दरकरार कर रहे हैं क्या? महाराज के आदेश का पालन भी नहीं कर रहे हैं। मैं 2-4 जनों से और भी कह चुका हूँ, जाट साहब नगर पालिका के हमारे एचओ का पावर लिए बैठे हुए हैं क्या? जबकि उनका ट्रांसफर हुए 20 महीने हुआ है, यहाँ से जाने तैयार नहीं है। क्यों जाने तैयार नहीं है? सीएमओ और जाट साहब की मिली भगत, या तो वो पैसे खा रहे हैं सीएमओ साहब उनसे। मैं तो खुला आरोप लगा रहा हूँ, सीएमओ साहब पैसे खा रहे हैं उनसे क्या? और उनको रिलीव करने तैयार नहीं है क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन सिंह खटीक मट्टू। कौन सी वार्ड से? वार्ड नंबर 35। ऐसे कितने पार्षद होंगे जो परेशान हैं, परेशान चल रहे हैं, मतलब जो उनके काम? लगभग पूरे 39 वार्डों के पार्षद ही परेशान दिख रहे हैं मेरे को तो। इसकी शिकायत आपने अध्यक्ष जी से की थी क्या? मैं बैठ के आया हूँ अध्यक्ष जी के पास, अभी अध्यक्ष जी हमारी कुछ जानती नहीं है, न समझ पा रही है क्या? वो तो नोट कर रही है धीरे धीरे क्या, नोट कर लेती है। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।